हाँ दोस्तों, मेरा नाम हर्ष पटेल है और स्वागत करता हूँ इस वीडियो के अंदर, नेट्स ऑफ नेटवर्क के अंदर दोस्तों। और आज का ये जो पूरा सेशन रहने वाला है, पूरा वीडियो रहने वाला है, वो रहने वाला है नेट्स ऑफ बिजनेस प्लान के रिगार्डिंग दोस्तों। तो बिना देरी चलो शुरू कर दे इस वीडियो को दोस्तों। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में बिजनेस तो करना चाहते हैं, बहुत लोगों ने तो ये सोचा भी होगा, कई शायद दिन निकल गए, बहुत सारे साल निकल गए शायद, कि लास्ट में सोचा होगा मेरा भी एक बिजनेस होता। तो बहुत सारे लोगों का ये एक सपना है कि मैं खुद का बिजनेस करूं, पर नहीं कर पाते बहुत सारे रीजन की वजह से। वो लोग अपना जो डिसीजन है वो डिसीजन को वो साइड पे रख देते हैं। तो क्या आज आप एक डिसीजन ले सकते हो बिजनेस करने का? मैं आपको मदद करूंगा दोस्तों कि ये बिजनेस करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और जो जो दिक्कतें आ रही है दोस्तों, जैसे कि डिसीजन लेने की दिक्कत, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस को डिसीजन नहीं ले पाते इस बिजनेस के अंदर काम करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको मदद करने वाला हूँ दोस्तों। इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों कि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस चालू करने से पहले, खुद का बिजनेस चालू करने से पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते दोस्तों। एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस आपको देंगे इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कंपटीशन रहता है बिजनेस के अंदर, उस वजह से बहुत सारे लोग ये बिजनेस को शुरू नहीं करते दोस्तों। इन्वेंटरी का प्रॉब्लम रहता है, बहुत स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, गवर्नमेंट को सब चेकआउट करना पड़ता है, ऑडिट आता है 3 महीने में, तो बहुत सारे दिक्कतें रहती है इन्वेंटरी की भी दोस्तों। टाइम की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है दोस्तों, मतलब कि टाइम टू टाइम बिजनेस को करना पड़ता है, टाइम परफेक्ट देना पड़ता है, वेकेशन पे भी नहीं जा सकते, घूमने भी नहीं जा सकते, बहुत सारा टाइम जो है वो पूरा बिजनेस में निकल जाता है दोस्तों। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात करें तो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है इस बिजनेस के अंदर दोस्तों। तो ये सब कुछ रीजन है, इसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं जो बिजनेस को नहीं करते हैं, शुरू भी नहीं करते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको यहाँ पे बात करूंगा कि 5% पॉपुलेशन जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो अपने बिजनेस को मैनेज कर पाती है 3 साल तक या 3 से 5 साल तक दोस्तों, और ये बहुत ही कम रेशियो है दोस्तों, बहुत ही कम। 5%, 95% बिजनेस जो है वो लॉस में चले जाते हैं दोस्तों। तो उसका क्या रीजन है दोस्तों? तो बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियल इश्यू की वजह से, 7% लोग, जो 7% लोग है वो फाइनेंशियल इश्यू की वजह से बिजनेस को यहाँ से लीव कर देते हैं दोस्तों। 6.5% लोग जो पर्सनल रीजन की वजह से अपना जो बिजनेस है वो बिजनेस को छोड़ देते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें तो 16.9%, यानी कि 60.9% पीपल आर अनप्रॉफिट, मतलब अपना जो मुनाफा जो चाहिए रहता है वो नहीं लेते, उसकी वजह से इस बिजनेस को यहाँ पे वो बंद कर देते हैं दोस्तों। और 58.4% अलग अलग रीजन की वजह से जो 95% लोग हैं वो बिजनेस को यहाँ से छोड़ देते हैं दोस्तों। तो आगे बात करेंगे हम आपको कि और एक बात की, कोविड जो 10 जो जितने भी स्टार्टअप से उनमें से 9 स्टार्टअप को इफेक्ट हुआ है दोस्तों, कोविड की वजह से पूरे इंडिया में 1 out of 20 फाइनेंशियल स्टार्टअप बंद हो गए दोस्तों। 2019-2020 15% सीधा 5% पे आ गया है दोस्तों, और इसका बहुत ही खतरनाक इफेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ा है दोस्तों। आपके बिजनेस के ऊपर भी पड़ा होगा या बहुत लोगों के बिजनेस के ऊपर भी पड़ा है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे अपना जो फी स्किन फ्रीडम और कंट्रोल योर ओवर लाइफ एंड अबाउट लाइफस्टाइल, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं दोस्तों कि यू शुड बी आर नॉट बी एलिफेंट द अर्बन इफेक्ट ऑफ एम्बिशंस, यानी कि अपना खुद का एक एम्बिशंस होता है कि मैं भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, मेरा भी ऊंचाइयों पे नाम जाए, मेरा भी बिजनेस वो लेवल पे जाए जहाँ पे बहुत दिग्गज बिजनेस टाइकून रहते हैं। तो क्या उसका सॉल्यूशन क्या है,
क्या करे जो वो बिजनेस जो आप सोच रहे हो या अभी तक सोचते आए हो कि मेरे को भी एक बिजनेस करना है, मेरे को भी एक ऊंचाइयों को छूना है, तो मैं आपको मदद करने वाला हूँ दोस्तों एक डिसीजन लेने के लिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आ सकते हैं दोस्तों। और डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिकम अ बिजनेसमैन। ये एक अच्छा सुनहरा मौका है एक बिजनेसमैन बनने का दोस्तों। पर डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, प्रोडक्ट बेचने की ये प्रणाली है दोस्तों, प्रणाली का। तो यही एक सिंपल रीजन है, ये इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बात करते हैं कि इसके फायदे क्या है दोस्तों। पहला फायदा है ये ओन बिजनेस है, मतलब आपका खुद का बिजनेस है, आप चाहो उतना ग्रो कर सकते हो, आप चाहो वैसा इस बिजनेस को ले सकते हो, ग्रो कर सकते हो दोस्तों। आगे बात करूंगा एक्स्ट्रा इनकम और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे आप चाहो तो ये बिजनेस करते हुए एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से दोस्तों। फुल टाइम करियर अपॉर्चुनिटी दोस्तों, मैं करियर की बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग अपने जिंदगी के 20 साल 25 साल लगा देते हैं करियर बनाने के लिए, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी है फुल टाइम करियर करने का। तो ये डायरेक्ट सेलिंग से मुमकिन है दोस्तों, बहुत लोगों ने यहाँ से अच्छा अच्छा अपना जो करियर है वो बनाया हुआ है, अच्छे पैसे भी कमाए हुए हैं। और एक और पॉइंट है कि लो कॉस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे जो खर्चा जो लगता है वो खर्चा यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं लगता है दोस्तों। आगे बात करूँ तो ऑन द गो बिजनेस, होम ऑफिस, यानी कि आप चाहो उधर से ये बिजनेस को कर सकते हो, अपने घर से कर सकते हो, अपने ऑफिस से कर सकते हो, आप चाहो वहां से ये बिजनेस को आप कर सकते हो दोस्तों। नो ओवरहेड या नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे कोई भी तरीके का कॉस्टिंग आपको नहीं करना होता है, मतलब आपका एडवर्टाइजमेंट का हो गया, मतलब कोई भी अलग से चार्ज हो गया आपको नहीं देना होता है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग हु कैन डू दिस बिजनेस, यहाँ पे ये बिजनेस कौन लोग कर सकते हैं, कौन कौन कर सकते हैं, शायद आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं आगे, यहाँ पे एक सर्विसमैन मतलब एक जॉब करने वाला इंसान इस बिजनेस को कर सकता है, एक सेल्समैन, अच्छा सेल्समैन जो आज लाखों का सेलिंग करता है भी इस बिजनेस को आके कर सकता है। अनएम्प्लॉयड जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए रहेगा, वो भी आके इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट, यस ऑब्वियसली, अपनी स्टडी को करते करते ये बिजनेस आप एज अ पार्ट टाइम कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस वाइफ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी हाउस वाइफ है जो एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहती है। इस बिजनेस को मैं प्रिफर करूंगा, इस बिजनेस को आप आराम से कर सकती है एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ दोस्तों। मतलब की बात करें यहाँ पे बहुत सारे जैसे पर्सन होते हैं जो अपनी जिंदगी ऑलरेडी जी चुके होते हैं, मतलब 40 साल 50 साल हो चुके होते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं उनके अंदर आग रहती है कि अभी भी कुछ करना है, अभी भी मैं रिटायर्ड नहीं हुआ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड होने के बाद भी कुछ करना चाहते हैं या कुछ जरूरत रहती है, तो वो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रोफेशनल्स, यानी कि बहुत सारे लोग अपने बिजनेस में ऑलरेडी प्रोफेशनल्स है, तो यहाँ पे भी प्रोफेशनल्स आके इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशनल बिजनेस भी आप कर सकते हो दोस्तों। आगे बात करूंगा यहाँ पे एंटिटीज ऑफ इनडायरेक्ट सेलिंग, यानी यहाँ पे तीन प्रकार के एंटिटीज होती है। पहली जो एंटिटी होती है वो होती है कंपनी दोस्तों। कंपनी जो होती है वो आपकी पहली एंटिटी होती है और उसका काम है, उसके पास द ऑल्सो कॉल अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एस इज द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द मार्केटिंग प्रोडक्ट और सर्विस एंड कंज्यूम, तो ये रहता है कंपनी के बारे में। दूसरी बात करें तो डायरेक्ट सेलर्स जो हम आपको बनाने वाले हैं या आप बिजनेस में आकर डायरेक्ट सेलर बनने वाले हैं दोस्तों। इंडिपेंडेंट रिजर्व आर द ऑथोराइज रिटेल द प्रोडक्ट ऑफर बाय द कंपनी, मतलब कि जो कंपनी आपको प्रोडक्ट देगी उसको आपको रिटेल करना है, कंपनी आपको अथॉरिटी देती है इस बिजनेस को करने के अंदर। और तीसरा जो रहती है एंटिटी वो रहती है कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूमर होता है वो कंपनी के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम, डायरेक्ट सेलर के माध्यम से
परचेज करता है। यही एक सिस्टम है, कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, डायरेक्ट सेलर को अथॉरिटी देती है उसको बेचने की, और एक डायरेक्ट सेलर होता है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट रिटेल करता है दोस्तों, और वो कंज्यूमर उसका बेनिफिट लेता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की एंटिटीज है और ऐसे ही ये सिस्टम काम करता है दोस्तों। आगे बात करेंगे ट्रेडिशनल रिटेल, तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनी होती है, एक स्टॉकिस होता है, एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है और एक कंज्यूमर होता है दोस्तों। ये एक ट्रेडिशनल यानी कि जो वर्षों से चलता आया हुआ सिस्टम है दोस्तों। कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पे भी बिजनेस कर रहे होंगे, या बहुत सारे लोग हैं जो सोचते होंगे कि यहाँ पे हम काम करें। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग यही है, कुछ भी कंपनी है, डायरेक्ट सेलर है और एक कंज्यूमर है दोस्तों। तो हमारे पास भी तीन एंटिटीज रहती है, जो यहाँ पे जो टॉपिस्ट होलसेलर रिटेलर होते हैं उसका जो काम है वो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट सेलर करता है, बाकी कंपनी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है उधर, यहाँ पे भी करती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, यहाँ पे भी कंज्यूम करता है, वहां पे बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। आगे डिटेल में जाकर हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ नेट्स ऑफ नेटवर्क दोस्तों। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली नेट्स ऑफ के बारे में बात करना चाहूंगा आप लोगों से, नेट्स ऑफ नेटवर्क की बात करना चाहूंगा दोस्तों, अबाउट नेट्स ऑफ नेटवर्क दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं नेट्स ऑफ नेटवर्क के बारे में, जो नेट्स ऑफ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों, एक नेट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, एक लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। और नेट्स ऑफ 2001 में हमने शुरू किया था इसको, ये हमारा ऑफिस आप देख सकते हो, और नेट्स ऑफ एक डायरेक्ट सेलिंग रिटेल चेन फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट्स है उसको हम रिटेल करते हैं दोस्तों, एंड वी आर ऑफरिंग अ बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन पीपल्स। यहाँ पे हम आपको ऑफर करते हैं इस बिजनेस को करने के लिए, यहाँ पे 2.5 मिलियन कंज्यूमर है जो डायरेक्ट सेलर ने बनाए हुए हैं, या और ऐसे ट्रस्टेड कंज्यूमर है जो हमारा प्रोडक्ट हर साल यूज करते हैं दोस्तों। और बात करें तो 20 साल, अभी इस साल की बात करें तो टोटल ये जो पीडीएफ है और इसके बारे में बात आगे बात करेंगे हम, यहाँ पे 256 स्टॉक पॉइंट्स, यानी कि यहाँ इतने स्टॉक पॉइंट्स है जहां से आप अपना प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। आगे बात करें तो नेट्स ऑफ का जो नेट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पूरे इंडिया में फैल चुका है दोस्तों। हमारी प्रोडक्ट की बात करें तो 70+ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, जहां पे 5 रेंज की कैटेगरी आती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। नेचरामोर जो हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी है, अपजेन मोर जो पर्सनल केयर की कैटेगरी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो बायोफिट हमारी जो ब्रांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बाद कैटल केयर भी है, कलर कॉस्मेटिक जो रंग दे एग्जीक्यूटिव इंडियंस, और होम केयर जो क्लीन एंड मोर हमारी एक कैटेगरी है दोस्तों। इसके ये 5 कैटेगरी में मिला के हमारे पास 70 से ज्यादा प्रोडक्ट है दोस्तों। और बात करें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो नेचरामोर के अंदर हमारे पास डेली न्यूट्रिशन, 5 डेली न्यूट्रिशन है, जो हमारे अलग अलग न्यूट्रिशन पाउडर्स है, जो आप कंज्यूम करके अपनी बॉडी का पूरा जितना भी विटामिन मिनरल्स का जो प्रॉब्लम रहता है बहुत सारे लोगों को, आप यहाँ पे वो रिकवर कर सकते हो। उसके अलावा फंक्शन न्यूट्रिशन है, हमारे पास 15 प्रोडक्ट्स है उसके अंदर, जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि लाइफस्टाइल हो गया हमारा जो डायबिटीज के लिए, लीवर का हो गया जो लीवर के लिए है, और न्यूट्री हार्ट हो गया जो हार्ट के लिए है, इजी डिटॉक्स हो गया जो एसिडिटी के लिए। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट है हमारे पास दोस्तों। उसके अलावा बात करेंगे पर्सनल केयर की, जहाँ पे विटामिन थेरापी के 19 प्रोडक्ट है हमारे पास। विटामिन थेरापी की बात करें तो वो उसके अंदर हमारे पास अलग अलग, जैसे कि स्किन केयर हो गया, जैसे कि हेयर केयर हो गया, मतलब के तेल साबुन शैम्पू वगैरह प्रोडक्ट है, मतलब विटामिन थेरेपी प्रोफेशनल, उसके अंदर हमारे पास पूरा फेशियल किट है दोस्तों। जो जो हमारे जो 6 प्रोडक्ट्स है वहाँ पे फेशियल किट है पूरा, और आयुर्वेदा के अंदर टोटल 6 प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर हमारे पास क्रैक क्रीम है, डेंटल पेस्ट है, और मस्कुलर पेन है, बहुत सारे ऐसे ऐसे 6 प्रोडक्ट्स है उसके अंदर। पूरी हर्ब्स एंड मोर यानी कि विटामिन प्लस मिनरल्स, सॉरी फ्रूट्स प्लस मिनरल या विटामिन से पूरा बनाया हुआ है दोस्तों। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें बायोफिट की, तो उनके अंदर क्रॉप केयर यानी कि जो खेती बाड़ी के जो प्रोडक्ट है वो 9 प्रोडक्ट्स है हमारे पास। अलग अलग ग्रोथ प्रमोटर है हमारे पास खाद है, हमारे
हमारे पास एनपीके है, बहुत सारे ऐसे ऐसे अलग अलग न्यूट्रिशन बैक्टीरिया है हमारे पास, एनिमल के हमारे पास प्रोडक्ट है, जहाँ पे मिनरल पाउडर है, मतलब कि एक सीएफसी करके हमारा जो पाउडर है उसके अंदर विटामिन मिनरल कैल्शियम सल्फर मतलब जिंक आप चाहो वो सब कंटेंट वहां पे हमने ऐड किए हुए। उसके अलावा एक बहुत बड़ा बिजनेस जो चल रहा है एक्वा का, वो पूरे इंडिया में जो कोस्टल है, इंडिया का जो कोस्टल रेंज वहां पे बहुत ही टॉप लेवल पे ये बिजनेस है दोस्तों, जो फिश फार्मिंग बहुत सारे लोग करते हैं उसके उसके उनको नजर रखते हुए कंपनी ने प्रोडक्ट ये बनाया हुआ है फिश फार्मिंग का दोस्तों। और रंदे की बात करें तो हमारे पास कलर कॉस्मेटिक टोटल 10 प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, लिपस्टिक हो गए, काजल हो गया, कलर कॉस्मेटिक, और आने वाले 1-2 महीने में और कंपनी इसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट ला रही है दोस्तों। आगे बात करें होम केयर के अंदर 2 प्रोडक्ट बनाए हुए हमने, एक क्लीन एंड मोर मल्टीपर्पज, क्लीन एंड मोर मल्टीपर्पज क्लीन एंड मोर इजी फैब्रिक वॉश। तो टोटल सबको मिला के आप ये बोल सकते हो कि आपको 70 अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, 5 रेंज की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। अरे लोग एक एक प्रोडक्ट पे करोड़ों का बिजनेस करते हैं। एक डेंटल पेस्ट एक एग्जांपल लेता हूं मैं, डेंटल पेस्ट कॉलगेट, सिर्फ एक प्रोडक्ट हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है, यहाँ पे 70 प्रोडक्ट का आपको सीधा ऑथोरिटी मिलता है, बिजनेस मिलता है पूरे इंडिया में सेलिंग करने का दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि व्हाई नेट्स ऑफ नेटवर्क, क्यों ये बिजनेस, क्यों नेट्स ऑफ नेटवर्क क्यों। तो हमने हमारे पास पूरे 20 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। किसी भी इंसान के पास 2 साल का भी एक्सपीरियंस होता है तो हम उसको सरेंडर कर देते हैं कि भाई तेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों को कंपनी में हायरिंग करना होता है, जिसका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उसको पहले लेते हैं लोग। तो यहाँ पे हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। आप यहाँ पे 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम करोगे। हमारा खुद का प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन है, ट्रेडमार्क है, मतलब हम खुद से प्रोडक्ट फॉर्मुलेट करते हैं, हम खुद से प्रोडक्ट बनाते हैं, हम खुद का ट्रेडमार्क लगाते हैं, हमारे खुद के डॉक्टर साइंटिस्ट है जो प्रोडक्ट के ऊपर रात दिन एक करते हैं और 2-2, 5-5 साल रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर दोस्तों। आगे बात करें तो हम हर्बल एंड नेचुरल प्रोडक्ट बनाए हुए दोस्तों हमने, और वो भी रिकरिंग डिमांड प्रोडक्ट है, मतलब इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर उसका डिमांड है कि वो मार्केट ऑलरेडी बात करूं तो हजारों करोड़ों का टर्नओवर दे रहा है दोस्तों। तो आगे बात करता हूँ, R&D टीम खुद की है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है हमारी खुद की, उसके अंदर हमारी टीम है डॉक्टर साइंटिस्ट की, खुद की टीम है और अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट के साथ वो रिसर्च करती है दोस्तों प्रोडक्ट के ऊपर, और सेफ्टी को लेकर हम बहुत ही सीरियस है दोस्तों। हमारे जितनी भी प्रोडक्ट है वो क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट है। हम हर जगह से हमारा जितने भी सर्टिफिकेट है, जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स है, जो जो करना पड़ता है प्रोडक्ट के बारे में हम सब कुछ करते हैं दोस्तों। तो ये इतने जबरदस्त हमारे 4 खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में भी हम हमारा खोलने जा रहे हैं, और पुणे में भी एक नया प्लांट हम ओपन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो बहुत सब कुछ मिला के मतलब ये बोल सकते हो कि फुल्ली लोडेड ये बिजनेस आपको ये मिलने वाला है, पूरा पैकेज यहाँ पे आपको मुफ्त में मिलने वाला है। और हर साल हम 5 से 10 प्रोडक्ट नए लॉन्च करते हैं दोस्तों मार्केट के हिसाब से, मतलब आज ये मार्केट को क्या चाहेगा, 10 साल के बाद मार्केट को क्या रिकरिंग होता है, क्या जरूरत होता है, वो सब हम यहाँ पे आपको देते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको मनी बैक, यानी कि आज आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप यहाँ पे हमारा बाय बैक पॉलिसी है, जो आप यहाँ पे 30 डेज के अंदर प्रोडक्ट को आप रिटर्न कर सकते हो और 100% पेमेंट आप रिटर्न ले सकते हो दोस्तों, 100%। तो बात करता हूँ एजुकेशनल, यहाँ पे कोई उतना एजुकेशन का आपको जरूरत नहीं है दोस्तों कि भाई मैं MBA होगा तभी बिजनेस कर पाऊंगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है दोस्तों, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होता है दोस्तों, क्योंकि कोई भी बिजनेस जो होता है वो बिजनेस यही शुरू नहीं होता है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने लुक को सुधारिए, अपनी प्रोफेशनल अपनी पर्सनालिटी को सुधारिए,
अपने बोलने के तरीकों को सुधारिए, तो यही एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको करना पड़ता है दोस्तों। फ्री एनरोलमेंट विथ नो रिन्यूअल चार्ज, यहाँ पे आते हो तो आपको कोई भी फी नहीं देनी पड़ती है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, आप फ्री में इस बिजनेस को आज से अभी से शुरू सॉरी कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम रिस्क है बिजनेस के अंदर, रिस्क तो रहता है बिजनेस में, यहाँ पे मिनिमम रिस्क है दोस्तों। तो मिनिमम रिस्क के अंदर यहाँ पे बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। फाइनेंशियल मतलब फ्रीडम मिलता है आपको, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, आप ये बिजनेस को कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आपको चाहे उतना इनकम ले सकते हो, आपको ट्रांसपेरेंसी रहती है, आप मतलब जो बिजनेस करना चाहते मतलब जो बिजनेस करते हो वो आप खुद अपने देख सकते हो कि कितना बिजनेस हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद बात करें तो हर 15 दिन के अंदर आपका पे आउट जो है वो आपको मिलता है दोस्तों। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान मिलता है, जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पे आपको फैमिली प्रोटेक्शन प्लान भी मिलता है, जहाँ पे आपकी पूरी फैमिली को यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। बात करें तो फ्री ऐप सिस्टम, यहाँ की यहाँ पे हमारा जो खुद का नेटसर्फ का एप्लीकेशन है आपको फ्री में मिलता है, उसका जो वेबसाइट का जो एक्सेस है वो भी आपको फ्री में मिलता है, आप वहां पे भी बैठे बैठे अपना बिजनेस रन कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अपने मोबाइल से ऐप के माध्यम से आप अपना यूजर फ्रेंडली आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, आपको रेवेन्यू आपका यहाँ पे सम्मान होता है दोस्तों। आगे बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात अपॉर्चुनिटी बाय नेटसर्फ नेटवर्क, अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी, आप चाहो उतना पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों। बी अ नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर दोस्तों, ई टेलर के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको अथॉरिटी मिलेगी आपको बिजनेस सॉरी ये प्रोडक्ट को सेल करने की या रिटेल करने की। 70 से प्लस प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है दोस्तों इधर, और ओन नेटसर्फ बिजनेस यहाँ से आप अपना शुरू कर सकते हो दोस्तों। ये मान लो डायरेक्ट सेलर है, आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव नेबर कलीग सोशल मीडिया फ्रेंड्स मतलब ये सब लोगों का आपको देखो, ये सब ही लोग जो है वो जो मैंने जो आपको प्रोडक्ट दिखाए वो मार्केट में से कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट ला रहे हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वो जो मार्केट में से ला रहे हैं उनको जो नेटसर्फ के प्रोडक्ट है वो रिकमेंड करना है, उनको ये बताना है, उनको ये प्रोडक्ट के जो बेनिफिट है वो बताना है कि देखो ये आप जो मार्केट से ला रहे हो उससे अच्छे प्रोडक्ट, उनसे सस्ते प्रोडक्ट और क्वालिटी प्रोडक्ट नेटसर्फ आपके लिए लाई है दोस्तों, आप इसके प्रोडक्ट एक बार ट्राई कीजिए। तो ये बात करके आप कंज्यूमर के साथ अपना जो रिलेशन है वो बनाइए और उनको और 10 से 25% का डिस्काउंट दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको यहाँ पे आप जितना भी प्रोडक्ट का सेल आउट करते हो उसके ऊपर आपको 10% का कंपनी प्रॉफिट देती है दोस्तों। 10% का प्रॉफिट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। कैसे देखता है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो एक कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट को परचेस करता है और उसने 20,000 MRP का प्रोडक्ट लिया, कंपनी ने उसको मान लो 30% का डिस्काउंट दिया, उसको पड़ा वो 6,000 के अंदर, और जो डीपी प्राइस थी वो थी 14,000 रुपए, उसके अंदर मान लो जीएसटी 1,000 रुपए निकल गया, मतलब 13,000 का जो टर्नओवर आपने कंपनी को दिया है और वो कंज्यूमर को 20,000 MRP का प्रोडक्ट दिया है, तो उसको तो 6,000 का पहले ही मुनाफा हो गया। आपको जो 13,000 जो टर्नओवर गया है कंपनी के अंदर उसका आपको 10% यानी कि 1,300 रुपए का कमीशन एज अ रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। मान लो आप 13 लाख का बिजनेस करते हो तो यहाँ पे आपको 1,30,000 का मिलेगा। आपने 1,30,00,000 का बिजनेस किया तो आपको 13 लाख का कमीशन आएगा, मतलब 10% नेट प्रॉफिट देने वाला नेटसफ आपको, आप जितना चाहो उतना बिजनेस कर सकते हो, अलग से डिस्काउंट भी आपको मिलेगा दोस्तों। तो यू कैन रिटेल प्रोडक्ट एंड अनलिमिटेड कंज्यूमर गेट अनलिमिटेड इनकम, यानी कि आप चाहो उतने कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच सकते हो और चाहो उतने पैसे कमा सकते हो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मैदान खुला है, मार्केट खुला है, आप चाहो उतना प्रोडक्ट रिटेल कीजिए
और बेचिए, और महीने में 2 बार आपको 15-15 दिन का कमीशन मिलेगा दोस्तों, और टीडीएस डिडक्ट होके मिलेगा। और ये जो टीडीएस है, जो 5% का जो यहाँ पे ये होता है, वो आपको साल के बाद आपके आईटी रिटर्न के आपका जो रिटर्न है वो आप करोगे तो आपको वो वापस आ जाएगा दोस्तों। बस यही के साथ, हाउ टू इजी रिटेलिंग इज, तो क्या क्या करना है, तो पहले आपको एक कंज्यूमर का लिस्ट बनाना है दोस्तों। कैसे करना है मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूंगा इस बिजनेस को यहाँ पे एंड करने वाला हूँ, 2 मिनट लूंगा। क्या करना है, तो पहले तो लिस्ट बनाइए दोस्तों, उसके बाद उनके फोन करके उनको बताइए कि मैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास आने वाला हूँ दोस्तों, और उनको इस बिजनेस की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स है कंपनी की, वो उनको डिटेल में समझाइए, और उनको ये प्रोडक्ट रिटेल कीजिए दोस्तों। और रिटेल करने के बाद उनसे वो आप अपना जो स्टॉक पॉइंट है वहां से या ऑनलाइन उनको आप प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। उसके बाद नो नीड टू कैरी स्टॉक फॉर, मतलब आपको लेके नहीं घूमना है, मतलब उनका जितना भी ऑर्डर है उतना ही पैसे लेकर आपको उनको स्टॉक पॉइंट से या ऑनलाइन ऑर्डर करके उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देना है दोस्तों। गेट प्रोडक्ट होम डिलीवरी, मतलब आप जाके भी कर सकते हो या ऑनलाइन भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और 10% रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हो दोस्तों। तो यही एक सिस्टम है, ये सिस्टम से आप काम करोगे तो आप आसानी से कमा सकते हो। तो हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस नाउ, एनरोल योर सेल्फ डायरेक्ट सेलर, कुछ नहीं करना है, एनरोलमेंट फ्री है दोस्तों, आइए शुरू कीजिए इस बिजनेस को हमारे साथ। जो मैंने शुरू में कहा था आपको एक बिजनेस करना है, तो ये बिजनेस आप कर सकते हो दोस्तों। एंड व्हाट द एक्सपेक्टेड, एक ही चीज चाहिए अभी फिलहाल, एक ही चीज चाहिए, वो है आपका एक डिसीजन चाहिए, एक ही चीज रिक्वायरमेंट रहेगा आपका, एक डिसीजन रिक्वायरमेंट रहेगा कि डिसीजन लो कि ये बिजनेस में करूं, और ये डिसीजन यस है कि यस ये बिजनेस करना चाहता हूं, ये बिजनेस हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे दोस्तों। और मैं आशा रखता हूं कि मैंने मेरे हिसाब से पूरा आपको प्रयत्न किया इस बिजनेस को समझाने के लिए। वेलकम नेट्स ऑफ बिजनेस फैमिली दोस्तों, वेलकम टू नेट्स ऑफ बिजनेस फैमिली, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। मिलते हैं रूबरू, ये बिजनेस को करते हैं शुरू, और कहीं ऊंचाइयों तक छूते हैं दोस्तों। तब तक के लिए बाय।